इस नौजवान नूं मिलाण दा मकसद यही है कि इस दे विच जो वखरा हैगा वह देख के तुसीं भी हैरान हो जाओगे। इस नूं ये मार पई है कि ना यह बोल सकता ते ना सुन सकता, लेकिन इस विच कला अजिही हैगी है जिसनूं देख के लोग खड़ खड़ के वेखते हैं कि नौजवान ने कर की दिता। आपां गलबात करन वास्ते इन्हां दे नाल साथी ने उन्हां नूं बुलाउंदे आ। सैलीब्रिटी होंगे जो कलाकार होंगे ने अपन उन्होंने को जाना पैंदा, पर जो सैलीब्रिटी ने वो ये फोटो करवाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान ने उन्होंने वालों भी विशेष तरह जो पेंटिंग दी तो उन्होंने बड़ा सत्कार दिता। जिवें दस्तार बनने की कला इन्हें हैगी है, पेंटिंग की कला इन्हें हैगी है, किसी पास सीखते हैं जो कुदरती सारा कुछ कर ना ही इन्हों किसी दस्तार सिखाने की लड़ पई ना ही पेंटिंग की सिखाने की लड़ पई। जेकर तुहाडे कोई परिवार के बच्चा इस तरह का है तो उस ना इस तरह बिहेव ना करो भी हाँ तुहाडे परिवार में योग है। कई बार परिवार वाले दुखी हो जाते हैं यार वो बोलता नहीं है सुनता नहीं है भी पता नहीं रब ने साडे नाल की करता, इदा का कुछ नहीं है। तुसीं उहदे नाल कोई गल नहीं, जे रब ने नहीं सुनने की समर्था दी तो दूजी कला के ना ही जरा परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तुहानू अज एक अजिहे नौजवान नाल मिलाउण जा रही हां जिसने सारियां हद्दां पार के उचाइयां नूं छूण की कसम खा रखी होवे। इंज जापदा है इंसान दे विच कोई ना कोई कमी त्रुटि रह जाती है, कई बार परमात्मा वालों भी यह जी मार पैंदी है कि इंसान नूं वेख के हरेक लोग कहिंदे ने कि इस दे विच इह चीज़ हुंदी तां कमाल हो जाता, परंतु जेकर कोई कमी दिंदा वह परमात्मा तो नाल नाल कुछ अजिहियां चीज़ां भी दे दिंदे ने जिहड़ियां उस नूं वक्खरा कर दिंदियां ने। ऐसे ही वक्खरे नौजवान दा मिलाण जा रहे हैं साडे नाल है नौजवान। इस नौजवान नूं मिलाण दा मकसद यही है कि इस दे विच जो वक्खरा हैगा वह देख के तुसीं भी हैरान हो जाओगे। तुहानूं दस दे कि परमात्मा वल्लों इस नूं यह मार पई है कि ना यह बोल सकता तो ना सुन सकता, लेकिन इस नूं होर लोगों तो वक्खरा बनाउंदी है इहदे वल्लों जिहड़ी कला हैगी है। इस विच कला अजिही हैगी है जिसनूं देख के लोग खड़ खड़ के वेखते हैं कि नौजवान ने कर की दिता। पहली कला ये दस्तार सजी हुई तुम वेख सकते हो, बाखूबी इतनी सोहनी दस्तार सजी हुई है कि लोग एक दस्तार सजाण वास्ते कई कई मिनट कई कई घंटे लगा देते हैं, लेकिन इन्नी सोहनी दस्तार नहीं बनी जाती हैगी। तो नाल ही इस नौजवान के हाथ के विच कला हैगी है ऐसिया पेंटिंगा बनाता हैगा कि वह पेंटिंगा वेख के लगता है कि किसी मजे हुए पेंटर वालों ये पेंटिंगा बनाइया होण। आपां गलबात करन वास्ते इन्हे साथी ने उन्होंने बुलाने वीर जी की नाम है तुहाडा जी? अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी कदों तो यह इस तरह असमर्थ ने बोलन सुनने तो बचपन तो या बाद कुछ दिक्कत जी? बिल्कुल जिस तरह बचपन तो ये सुनने तो समर्थ ने क्योंकि इन्होंने परिवार की गल की आ भी इन्होंने छोटा जिहड़ा ब्रदर है वह भी है मेरे परिवार के क्योंकि मेरे भतीजे ने दोनों ये जे परमात्मा किसी गलों जो घट गल की जाए तो कुछ ना कुछ जो कमी छड़ जांदा, पर अजिही कला भी इन्हों हैगी है कि ये अजिहियां दस्तारा सजाते हैं कि लोग इन्हों के नाल खुद जी सैल्फिया खिंचाते हैं। आप अक्सर देखते हैं जो सैलीब्रिटी होंगे जो कलाकार होंगे ने अपन उन्होंने को जाना पैंदा, पर जो सैलीब्रिटी ने वो ये फोटो करवाते हैं। तो सरकार की गल की जाए वक् वक् सरकार के नुमाइंदा की तो उन्होंने वालों भी जो पेंटिंग के माहिर के बदले जो सन्मान भी किया जाता है। हम बीते दिन जो गल की जाए थोड़े दिन पहला की गल है पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान ने उन्होंने वालों भी जो विशेष तरह जो पेंटिंग दी तो उन्होंने बड़ा सत्कार दिता। तो साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने भी वाले जो बड़ा सत्कार दिता। तो कई कलाकार ने जिवें रणजीत बावा हो गया, एमी विर्क हो गए, दलजीत दसांझ हो गया, तो उस तो अलावा कई कलाकार ने जिहड़े इन्हां नूं जिहड़ा दे फैन ने क्योंकि यदि कला ही एक वधिया है क्योंकि दस्तारां दे राहीं तां लोकां नूं प्रमोट कर ही रहा क्योंकि सिखा भी रहा बिल्कुल फ्री हो। तो पेंटिंग दे विच बड़ा बहुत माहिर है क्योंकि तस्वीरां बनाउंदा है, तो इस तरह तस्वीर बनाउंदा है भी बंदा जिहड़ा जिहदी तस्वीर हुंदी आ सेम उस तरह ही जिहड़ा तस्वीर लगदी आ। मैं पुछना चाहांगा कि जिवें दस्तार बनने दी कला इहनां च हैगी है, पेंटिंग दी कला इहनां च हैगी है, किसे पासों सिखदे ने जां कुदरती सारा कुछ करन लग जी? परमात्मा वल्लों इहनां नूं कुदरत वल्लों ही जिहड़ा इहनां नूं जिहड़ा माहिर जिहड़ा हासिल हुई है, ना ही इहनां नूं किसे नूं दस्तार सिखाउण दी लोड़ पई ते ना ही पेंटिंग दी सिखाउण दी लोड़ पई।
क्योंकि अपने आप ही जिस तरह काम करी गया दस्तारा बनी गया ये दस्तारा जी देख रहे हो बनी भी है ये कल एक स्टाइल की है अनेक स्टाइल की जो बन लगा जिस तरह मोरनी होगी वटाली होगी उस तो अलावा की नाम है अमृतसरी होगी कई जो दस्तारा ने सजा लेंदा है क्योंकि दस्तारा के नाल विआह शादियों के भी जाता है तो इस तरह की हूँ भी ये अपने प्रोफेसनल तौर पर पैसे लैके बन रहे हैं बिल्कुल फ्री नगर कीर्तन वगैरह होंगे ने धार्मिक जो भी समागम होंगे जो लोग आते हैं संगत आते हैं तो उन्होंने भी जो बिल्कुल जो फ्री एक कला के राही आप कहें भी मैं बड़ा शौक है भी मैं उस करके जो बनता वो बिल्कुल अजकल लोग जेकर कोई कला आती है उसको अपना रुजगार बना लेंगे ने लेकिन नौजवान अपने धर्म प्रति इन्ना प्यार है कि फ्री के दस्तारा जी है बन के अपने जो धर्म है वह प्रचार भी कर रहा है गल की जाए कि जो कोई घर गलबात करनी होंगी या कुछ कहना होंगे वो किमें समझाते हैं कोई खास लैंग्वेज भी सीखी हुई है नहीं बिल्कुल जिस तरह परिवार को सू पता लग गया भी है बोल क्योंकि इन्हों की लिप्स मूवमेंट होंगी है लिप्स मूवमेंट के जरिए जो कोई चीज़ मंगनी होंगी है तो वो दस देंगे ने भी आह चीज़ चाहिए है वो अपने भाषा के लिप्स मूवमेंट के जरिए जो असी चीज़ जो प्रोवाइड वैसे तो हम अपने जोगा हो गया शुरू तो जो छोटा होंगे बच्चा तो थोड़ी दिक्कत होंगी है हूँ तो व्डा हो गया पर सू कोई दिक्कत नहीं है मैं लोगों को भी अपील करना चाहता जेकर तुहाडे कोई परिवार के बच्चा इस तरह का है तो उस ना इस तरह बिहेव ना करो भी हाँ तुहाडे परिवार के जोगा है कई बार परिवार वाले दुखी हो जाते हैं यार वो बोलता नहीं है सुनता नहीं है भी पता नहीं रब ने साडे नाल की करता इदा का कुछ नहीं है तुसी उहदे नाल परिवार की तरह ट्रीट करो इदा का कुछ नहीं होंदा बच्चा जदों वड्डा होंदा अपने आप ही सीख जांदा ये साडे परिवार दे विच दो बच्चे ने बिल्कुल सही कोई गल नहीं जे रब ने नहीं सुनने की समर्था दी तो दूजी कला के ना जो परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं कदे भी जरा मन के इदा ना लैके आओ भी साडा बच्चा नहीं बोलता पता नहीं साडे नाल परमात्मा ने की करता इदा का कुछ नहीं होंदा की पता उस बच्चे ने तुहाडे परिवार के नाल किस तरह नाम रोशन करना तो तुसी भी जरा रोशन हो जाओगे जी बिल्कुल चाहे बोलन सुन च असमर्थ है लेकिन यदि कला जी है इसको वक्रा बनाती है तो जिस तरह सानू दिल किया कि यदि इंटरव्यू की जाए यदि दस्तार तुम हूँ भी वेख सकते हो बिल्कुल वक्री हैगी है इन्हें लड़ा वाली जी दस्तार है वह आम नहीं बनी जा सकती हैगी लेकिन फिर भी इसने लड़के ने यह दस्तार बनी है तो जेडे इन्होंने नाल ने उन्होंने भी दस्या कि यह दस्तार कली नहीं इस तरह दया कि ही होर स्टाइल दिया वक्रे वक्रे स्टाइल दिया जिहड़ियां दस्तारा हैगियां ने इस नौजवान वालों बनिया जांदियां ने ते पेंटिंग आ भी बाखूब जिहड़ा हैगा ये कर रहा हैगा अमरजीत जी मैं तुहाडे नाल फिर गलबात करांगा हुण तक किहड़े किहड़े मंत्री या किहड़े किहड़े लीडर इन्हां नूं सन्मानित कर चुके ने जी बिल्कुल जेकर मौजूदा सरकार की गल की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गल की जाए उन्होंने वालों भी जरा इन्हें तस्वीर बनाई तो उन्होंने भेट की तो बड़े खुश होए हरपाल चीमा जो वित्त मंत्री ने उन्होंने भी जरा तस्वीर दी सी जेकर होर गल की जाए कई MLA साहबान ने उन्होंने भी दिते है तो पिछली सरकार की गल की जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गया तो उस तो बाद चरण सिंह चन्नी हो गया तो कई मंत्री साहबाना की गल की जाए वो उन्होंने जोड़ा है तस्वीर बना के भेट कर चुके हैं तो जे कलाकार की गल की जाए कलाकार की लिस्ट तो बहुत लंबी है परमीश वर्मा हो गया रणजीत बावा हो गया रणजीत बावा ने खुद अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक पर भी यदि तारीफ की तो बोलिया भी सी बकायदा अपने बुलाया भी घर भी बुलाया इनविटेशन दिता से भी तू साडे घर आया तो परमीश वर्मा भी स्पैशल जी उन्होंने पेज पर भी फोटो जी पाई है उन्होंने कई कलाकार ने जी तारीफ करते हैं जी जिमें कि स्पैशल चाइल्ड हैगा सरकार स्पैशल जो लोग होंगे उन्होंने सरकारी नौकरियों वास्ते जगह मिलती है इसलिए भी कई कभी अप्लाई किया जाए कोई आया नहीं बिल्कुल हाले क्योंकि हाले पढ़ाई कर रहा है क्योंकि हर 10वीं पास कर चुका है प्लस वन के है सो असी प्रोसैस जरा लगातार नाल जारी है जो भी प्लस टू पूरी कर लेना क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट के घट्टो घट प्लस टू तो जी है नौकरी वास्ते चाहिए होंगे हूँ अगे प्रोसैस जारी है परमात्मा कर जे हो सकता है क्योंकि जिस तरह की कला है जो पढ़ाई कर रहे हैं कि शायद हो सकता भी कितना कितने सरकारी जॉब जी मिल सके जो एलिजिबल बन जाऊगा जी परिवारिक माहौल भी थोड़ा जहा दसो तुसी भी परिवार के किस तरह जो टाइम बीत करता है परिवार जिमें मदर हो गए इन्हों के होर जो ब्रदर है वो किस तरह इन्हों संपर्क करते हैं जहाँ ने कोई चीज़ लैनी होंगी तो फिर किस तरह जल्द समझाने कि आसान लगता है नहीं मैं पहला भी रिपीट कर चुका क्योंकि जो परिवार के छोटा बच्चा होंगे क्योंकि सानू पहला दिक्कत सी जो ये छोटा सी ना सानू समझ नहीं आती सी भी ये किस तरह जरा चीज़ मंगूगा परेशानी जरूर आती है परिवार के हौली 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 स्पीच थैरेपी होगी क्योंकि इन्होंने बच्चों की स्पीच थैरेपी होंगी है साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है भी इस तरह गलबात करनी है लिप्स मूवमेंट होंगे ने तो हौली हौली लिप्स मूवमेंट के जरिए जो ये चीज़ा मंगन लग गया तो अपने जोगा हो गया फिर उस तो बाद पग पग बन लग गया फिर सिखा लग गया फिर सानू इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हूँ साढ़े परिवार के महसूस ही नहीं होंगे जो अभी कट्ठे बैठते हैं जो खाने पीने रोटी कट्ठे बैठते हैं खाने इदा तो कभी नहीं होंगे भी जो बच्चा बोलता नहीं सगो सूँ जो साढ़े घर की एक्टिविटी होंगी है यह सब तो वध करके दिखाता है
ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੰਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ, ਬਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।